तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपका जो कि सोशल साइंस में भी मैं पूरी आपकी मदद करूंगा, ये देखिए आपका सेट डी है। चलिए तो आज हम आपका 955 विषय कोड जो है 300 वाला, ठीक है, एकदम ओरिजिनल पेपर देखेंगे जो कि आपका आल एमपी में 8 अप्रैल के दिन आने वाला है। देखिए कर्क जो रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा जो है ओडिशा से नहीं गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं लू, ठीक है। सब भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, तो हिटलर के प्रचार मंत्री है ग्यूबल्स, ठीक है। पांचवे की बात करूं तो इसमें आ जाएगा अब्राहम लिंकन। पालमपुर में कितने विद्यालय हैं, तो इसका आ जाएगा 2, ठीक है, विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। चलिए तो इसकी पहले की बात करें तो इसका ओडिशा था, ठीक है, इसमें आपका यहाँ से सी ऑप्शन राइट बनेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये आपका ए वाला है, ठीक है, बढ़िया से मेहनत करेगा, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है, आपकी पूरी मैं मदद कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में इसका भी ये पहला है और इसमें 2 ऑप्शन आएगा। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थानों को। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा रिक्त स्थान माह में होती है, अक्टूबर से नवंबर माह में, तो यहाँ पर देखते हैं अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित रिक्त स्थान में से एक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई थी, सितंबर 1939, तो सितंबर। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है रिक्त स्थान कहलाता है, मताधिकार, ठीक है। प्रश्न 5 है, कृषि एवं मछली पालन रिक्त स्थान क्षेत्र से संबंधित है, तो ठीक है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, किससे, प्राथमिक क्षेत्र से। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण आया था, तो यहां से देखिए, ठीक है, बढ़िया से मेहनत करेगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखिएगा रिक्त स्थान बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब है जोड़ी, ठीक है, जोड़ी की यदि बात करें जदीदी, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका सबसे पहला रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, ठीक है। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1918 आ जाएगा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर बाजार, कच्चा माल तथा नगद पैसा, तो ये जाएगा कार्यशील पूंजी। चीन की यदि बात करूं तो राष्ट्रीय जन संसद आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये नंबर है आपके, ठीक है, ये इन नंबर को भर देता हूँ मैं जोड़ी के पहले तो आपके, ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक है, ये 6, ये आपका 4 हो गया है, ये आपका 3, 3 के बाद में आपका ये, ठीक है, ये 5वां था और ये 9 नवंबर 1918 का दूसरा हो गया है, ठीक है, और ये जो है आपका पूरा पहला हो गया है, ठीक है, बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, परिवहन एवं संचार सेवाएं, परिवहन एवं संचार सेवाएं, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, सितंबर 1939, सितंबर, ठीक है। वर्ष यूनानी में क्रोशिया का जो अर्थ है वो क्या है, शासन। वर्षाय संधि कब हुई थी, 28 जून,
ठीक है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो उनका मताधिकार कहलाता है, मताधिकार। ठीक है, यहां से हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य और असत्य है। ठीक है, यहां से देखिए, भारत में जनसंख्या वितरण समान है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है वो असत्य है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सत्य सत्य भर देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा भी आपका असत्य है, तीसरा है ये भी असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, पांचवा जो है आपका सत्य बनेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, ये हो गया, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद में, ये आपका गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा सत्य है और छठा आपका एकदम राइट है। हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो ये यहाँ से देखिए, बढ़िया से आपको मेहनत करिएगा, जिस बच्चे ने अच्छी मेहनत की, ठीक है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ कमी मेस में रह गई हो उसको भी पूरा कर लेंगे इसमें हम। ठीक है, आप तो जितना बता रहा हूँ उतना आप अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा अभी आपको। ठीक है, इसलिए मैं प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ भी नहीं रहा हूँ ढंग से। ठीक है, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, ये 16 है, 17, 18 हो गया, 18 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 21, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है यहाँ पर, ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। ठीक है, ये इसका अथवा है। ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत करना है। ठीक है, यहाँ से आपको, ठीक है, सब कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छी से मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना आपको प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो 9th की मार्कशीट है वो केवल पास की मार्कशीट ही बहुत है, किसी काम की नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो कर लेना आप। ठीक है, जितनी आपसे मेहनत हो सके, देखिए हमारी तरफ से 100% देना है। ठीक है, यानी आपको जो तैयारी करनी वो 100% दो, वो कितनी परसेंट बने उससे कोई लेना देना नहीं, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इसका अथवा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 11, ये क्वेश्चन नंबर इसका अथवा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इसका अथवा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया साहब, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, अच्छी मेहनत करना है, फिर बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि मेहनत, देखिए मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है, आप अच्छी मेहनत करोगे। ठीक है, ये जो चैनल है ये सिर्फ आपका चैनल है, यदि आप इसे आगे बढ़ाना चाहोगे तो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये कोई मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ठीक है, ये अपना चैनल मानकर ही पढ़ा रहा हूँ मैं इस पर। ठीक है, ये आपका ही चैनल है, मेरा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये उत्पादन के साधनों से क्या से है, इसका अथवा हो गया ये। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, सूखा चारावाहों की जिंदगी पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु है, प्रधानमंत्री जो शासन का केंद्र बिंदु होता है, स्पष्ट कीजिए। ये भारत के राष्ट्रपति की कार्य, ठीक है, यहाँ से देखिए, भारत के राष्ट्रपति की
सत्य लिखना है, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, हो गया। ये इसका थोड़ा है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए आप, तो बस आपके लिए यहाँ चैनल दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपका है। बार बार यही शब्द बोल रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि ये चैनल मेरा है या किसी और का है, ठीक है, ये सब आपका ही है, आपकी सबकी प्यार की बदौलत ये यहाँ पर ये चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये चैनल मेरा कहाँ से हुआ, आप सबका ही चैनल है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, अच्छी मेहनत करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, ये ठीक है 955 वाला, यानी कि ये सेट डी है, यहाँ से देखिए आप, ठीक है, ये सेट डी है। इससे पहले मैंने आपको, ठीक है, 954 ये देखिएगा, ये सेट सी, ठीक है, 953 ये सेट बी, ठीक है, 952 और ये सेट ए, ये सब आपको मैंने पहले बता